सम्राट समुद्रगुप्त और उनकी महारानी दत्ता देवी के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आजकल हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या ये वही विक्रमादित्य हैं जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है, जिनके बारे में बेताल 25, सिंहासन 32 वगैरह कई परिकथाएं लिखी गई हैं, या 57 ईसा पूर्व का उज्जैन का कोई राजा? जो भी हो, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य क्यों माने, ये एक बड़ी ही दिलचस्प बहस का मुद्दा है जिसे मिनटों में नहीं निपटाया जा सकता, जिसे हम अलग से सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे ताकि विषयांतर न हो। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का रामगुप्त नाम का एक बड़ा भाई भी था, लेकिन इसकी तस्दीक ऐतिहासिक तौर पर नहीं हो पाई है। रामगुप्त के सिक्के और अभिलेख मिले जरूर हैं, लेकिन ये निश्चित ही किसी सम्राट के नहीं हो सकते, और वो भी समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी सम्राट के बेटे के। चंद्रगुप्त द्वितीय के कई अभिलेख हमें उपलब्ध हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय है दिल्ली के मेहरौली के कुतुब परिसर का ये लौह स्तंभ, जो कि गुप्त काल में स्थापित हुआ था। पहले इस पर एक गरुड़ भी था, यानी विष्णु का वाहन और सम्राटों की पहचान। तब ये इलाका इंद्रप्रस्थ कहलाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों और सिक्कों को हम अपने एक वेबिनार में अलग से विस्तार से समझेंगे। यहां हम सिर्फ इतिहासकारों का निष्कर्ष बता रहे हैं। हम नक्शे में देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के जिन शासकों को जीता था, वो कब तक गुप्त सम्राटों के अधीन रहे, इस पर आज तक शायद ही किसी का ध्यान गया हो। लेकिन गुप्त सम्राटों के वैभव, संभावित लोकप्रियता और उनकी ताकत को देखते हुए फिलहाल के लिए हम इनको गुप्त साम्राज्य के प्रभाव मंडल में ही मान लेते हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने कई राजनीतिक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जो कि काफी महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह बाकाटक राजकुमार रुद्रसेन से कर दिया। ये बाकाटकों के नंदीवर्धन शाखा से थे, यानी नागपुर के क्षेत्र के। रुद्रसेन सम्राट बनने के बाद ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाए और उनकी जल्द ही मृत्यु हो गई, लिहाजा उनका सारा राज्य उनके दो नाबालिग बेटों के बहाने प्रभावती के हाथों में आ गया। तो इस तरह से ये राज्य भी गुप्तों के प्रभाव में आ गया। फिर उत्तरी कर्नाटक के कदंब राजा काकुस्थ वर्मन चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके पुत्र कुमार गुप्त के समकालीन थे। काकुस्थ वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त राजवंश में किया, इससे निश्चित ही ये राज्य भी गुप्तों के प्रभाव में आ गया होगा। और ऐसे भी संकेत मिलते हैं कि कोंकण और सह्याद्री के त्रैकूटक राजा भी इन गुप्तों के प्रभाव में थे। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पर, और वो थी शक राज्य पर विजय। समुद्रगुप्त की मृत्यु के आसपास, यानी सन 380 के लगभग, शक राजा रुद्रसिंह तृतीय ने फिर से सर उठाया और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पश्चिमी क्षत्रपों का सफाया कर दिया, और शायद इसी के कारण इन्हें शकारी विक्रमादित्य कहा जाने लगा। यह संग्राम कुछ 390 ईस्वी से शुरू होकर सन 410 तक चला। कुछ इतिहासकारों का तो यहां तक कहना है कि यह कुमार गुप्त के शासनकाल तक चला। इस महत्वपूर्ण विजय से गुजरात, मालवा और सिंध के कुछ हिस्से गुप्त साम्राज्य का अंग बन गए, और पश्चिमी तट पर गुप्त साम्राज्य की मजबूती से पकड़ का अर्थ था पश्चिमी जगत, खास करके रोमन साम्राज्य से सीधा व्यापार। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही रोमन साम्राज्य के दो हिस्से हुए, पश्चिमी और पूर्वी। पूर्वी रोमन साम्राज्य को हम बेजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं। तो दोनों रोमन साम्राज्यों में भारत में निर्मित वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे रेशम के कपड़े और सूती कपड़े, मोरपंख, हाथी दांत, कलाकृतियां वगैरह। इसके एवज में रोमन साम्राज्यों से सोना आ आकर गुप्त साम्राज्य में बहने लगा। फिर ऐसा भी वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वायव्य दिशा में जाकर कुषाणों, बालिकों और शाहनुशाहों को भी पराजित किया, जिससे उनका प्रभाव कश्मीर, गंधार, काम्बोज और बल्ख तक फैल गया। लेकिन इस बालिक अभियान, यानी बल्ख अभियान की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्य सिंधु नदी तक पहुंच गया होगा और मध्य एशिया के सिल्क रूट, यानी रेशम मार्ग का कुछ हिस्सा गुप्त साम्राज्य के प्रभाव मंडल से होकर गुजरता होगा। चंद्रगुप्त के अभिलेखों से हमें पता चलता है कि उन्होंने वंग में, यानी बंगाल में, एक राजाओं के संघ को हराया। कौन कौन से राजाओं को और कब, ये स्पष्ट नहीं है,
तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक विद्रोह रहा होगा। बहरहाल जैसा कि हम समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र में देख ही चुके हैं कि गुप्त सम्राटों ने वैदिक परंपरा में एक नई जान फूंक दी। यही सब विक्रमादित्य के शासन काल में कई गुना बढ़ गया। इससे दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों में भी वैदिक संस्कृति और बौद्ध पंथ को बढ़ावा मिला होगा। स्थायी शासन के कारण हर दिशा में प्रगति हुई, चाहे वो कला संस्कृति साहित्य हो या ज्ञान विज्ञान। और देश में एक स्वर्ण युग का आविर्भाव हुआ, जिसे भारतीय इतिहास के 3 स्वर्ण युगों में गिना जाता है। अब हम आते हैं सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों पर। वो 9 कलाकार और विद्वान जो विक्रमादित्य के दरबार को सुशोभित करते थे, इनमें से केवल एक कालिदास को विक्रमादित्य और कुमार गुप्त के समकालीन रखा जा सकता है। 3 का तो अभी तक पता ही नहीं चल पाया है और बाकी के या तो कालिदास से पहले थे या उनके बाद। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना, महान चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा, जो बौद्ध ग्रंथों और बौद्ध दर्शन की खोज में भारत आए थे। तब नालंदा नहीं बना था, लेकिन बोधगया का विहार मौजूद था। फाहियान ने उस समय के भारत और भारतीयों का जो वर्णन किया है वो निश्चित ही किसी स्वर्णयुग की सूचना देता है। मगर आश्चर्य की बात है कि फाहियान गुप्त सम्राटों की राजधानी पाटलिपुत्र आए और उन्होंने गुप्त सम्राटों का कोई जिक्र नहीं किया। इससे मन में कई तरह की शंकाएं जन्म लेने लगती हैं। खैर, लेकिन फाहियान वो पहले बौद्ध तीर्थयात्री थे जिन्होंने बुद्ध के दर्शन को विधिवत रूप से पूर्वी जगत में ले जाकर स्थापित किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की 2 पत्नियों का जिक्र मिलता है, ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी, जिनसे इनको कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त नाम के 2 पुत्र हुए, और दूसरी कुबेर नाग, जिनसे इनको प्रभावती नाम की पुत्री हुई। इनके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। लगभग 35 साल के एक स्थायी सुशासन के बाद सन 415 के आसपास चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु हो गई, लेकिन स्वर्ण युग अभी और आगे तक चलने वाला था।